أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته G6 ऑनलाइन कुरान क्लास में आप सब मुतालिमात को खुश आमदीद। क्लास का आगाज तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतालिमा को माइक दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। 3 6 2 3 1 1 4। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चुप्पी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तर्जमा: यकीनन हमने ही ये जिक्र उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 10। जी, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक शामिला को माइक दीजिए हदीस मुबारक पेश करने के लिए। G6 2 2 2 0 2। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान करीम का कुछ हिस्सा भी नहीं, वो वीरान घर की मानिंद है। सुनन तिर्मिज़ी। जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह। अब मैं इशादे मुबारक पेश करने के लिए किसी एक मुतालिमा से गुजारिश करूंगी। एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G6 2 2 1 5 6। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إرشاد مبارك حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا بھی ضروری ہے اچھی آواز بھی نئے مطالب حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے اسی لیے اچھی آواز میں پڑھنا ضروری ہے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بھی ترنم کے ساتھ پڑھا کرو اور سوز کے ساتھ پڑھا کرو ہے تو خدا کا کلام لیکن خدا کے کلام کو بھی پڑھنے میں فرق ہے اس کو سرسری نظر سے پڑھنا اور بات ہے بے دلی سے پڑھنا اور بات ہے جان ڈال کر پڑھنا اور بات ہے اور پھر مترنم آواز میں پڑھنا آپ کی اندرونی کیفیات کو جگا دیتا ہے آپ کے اندر تموج پیدا کرتا ہے اور اس تموج کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب ہم آہنگ ہو کر پھر آپ کے لیے نئے نئے مضمونوں کے گل کھلاتے ہیں نئی روشنی عطا کرتے ہیں تو نماز کا بھی یہی حال ہے نماز کو اگر دل ڈال کر پڑھیں تو نماز کی بھی یہی کیفیت ہوگی یہ دراصل میرا وہ جو تھا ہینڈ ریز کا نا وہ اس کے اوپر آیا ہوا تھا تو میں وہ پڑھ نہیں سک رہی تھی ٹھیک جزاکم اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا اور کہ آپ نے جو تموج جو آپ نے لفظ ہے اس کی ادائیگی بالکل ٹھیک کی اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال آپ کو پتا ہوگا کہ تلاتم اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی یا ہوا کی لہروں کا تلاتم یا جوش پیدا کرنا یا تحریک پیدا کرنا لہردار حرکت پیدا کرنا تو اس کا جو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھیں اور اس کے مطلب کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایک جوش کی کیفیت پیدا ہو یا ایک تحریک کی کیفیت پیدا ہو جزاکم اللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا تلفظ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور جزاکم اللہ اب میں آگے چلتی ہوں میں اب ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کلاس کے آداب پیش کریں جی السلام علیکم قرآن کلاس کے آداب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں جیسے باوضو ہونا تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا پاک و صاف لباس
ऐसी जगह का इंतखाब जो पाक और साफ हो, जहाँ शोर ना हो और जहाँ रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तिलावत कुरान करीम से पहले तहव्वुज़ जरूर पढ़ें। इसके साथ क्लास की सहूलत के लिए कुछ और जरूरी हदायात हैं, जैसे बराह मेहरबानी अपनी दुरुस्त शनाख्त के साथ क्लास में दाखिल हों, जैसे G6123 जो कि हमारी टीम की जानिब से आप सब मुतालिमात को इरसाल की गई हैं। सिर्फ जरूरत के वक्त हाथ खड़ा करने का अख्तियार को इस्तेमाल करें और आप सब से नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखें और अपनी बारी पर ही अपना माइक ऑन करें। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। कुरान क्विज़ का सेगमेंट शुरू करते हैं और जो कि कायदे इस्तलाहात में मबनी है। इसमें आज हम जिस सेट के ऊपर सवाल जवाब लेकर आए हैं वो है सेट एफ। इसमें हमने तफहीम और तरकीक के उसूलों को पढ़ा था और सीखा था। तो जैसा कि हमें पता है कि हरूफ तहजीम जो कि 29 है, उनमें से बास जो हरूफ है, 7 हरूफ जो है वो के मोटे अदा किए जाते हैं और 19 जो हरूफ है वो बारीक अदा किए जाते हैं, और इसी तरह 3 हरूफ ऐसे हैं जो कि बास हालतों में मोटे और बास हालतों में बारीक अदा किए जाते हैं। और अलिफ के बारे में हम बता चुके हैं कि अलिफ के साथ जब भी कोई मुखफ्फम हर्फ आएगा तो उसको अलिफ को मोटा या तफखीम अदा किया जाएगा, और मुरक्कब हर्फ आएंगे तो उसको बारीक या तकीक अदा किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि लाम को किन सूरतों में मोटा अदा किया जाता है या भारी अदा किया जाता है। जब भी लामुल जलाला यानी कि ऐसा लाम जिसमें अल्लाह का नाम हो, उसमें तशदीद वाला मुशद्दद लाम जो है उसमें उस लाम को हम उसके साथ उससे पहले जब फतहा या दम्मा आ जाए तो इस लाम को हमेशा मोटा अदा किया जाता है। वो लाम जो कि अल्लाह के नाम के अंदर होता है उस लाम को उस लाम से पहले अगर फतहा या दम्मा आ जाए तो उसको हम मोटा पढ़ते हैं, और अगर इस लाम से पहले कसरा आ जाए तो इस लाम को बारीक अदा किया जाता है। और रा की बात करते हैं कि रा को किन सूरतों में मोटा या बारीक अदा किया जाता है, तो ऐसी रा जिसके ऊपर फतहा या दम्मा हो उसको मोटा अदा किया जाता है। याद रखने के लिए ये भी बहुत आसान तरीका है कि जैसे हमने ये असूल सीखा है कि फतह या दम्मा आए तो मुशद्दद जो अल्लाह के नाम के अंदर जो मुशद्दद लाम है वो मोटा अदा किया जाता है, इसी तरह अगर रा के ऊपर फतह या दम्मा आ जाए तो ये भी मोटी अदा की जाती है, रा के नीचे अगर कसरा आ जाए तो ये बारीक अदा की जाती है, और इसी तरह अल्लाह के नाम के अंदर जो एक मुशद्दद लाम है उससे पहले अगर कसरा आ जाए तो ये लाम बारीक अदा किया जाता है। तो याद रखने का एक फार्मूला बना सकते हैं कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रा के ऊपर दम्मा या फतह आए तो ये मोटे हैं और अगर कसरा आ जाए तो बारीक अदा की जाती है। अब अगर ये बेसिक चीज सीख ली है तो उसके बाद और जो उसूल है इसके वो याद रखना बहुत आसान हो जाते हैं कि ऐसी राज जिसके ऊपर फतह दम्मा के साथ अगर तशदीद आ गई है तो ये मोटे अदा किए जाएंगे, और अगर इसी के साथ तशदीद के साथ अगर कसरा आ गई है तो ये वाली राज जो है ये बारीक अदा की जाएगी। यहाँ ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास तशदीद होती है तो जो हरकात है आपको उसके ऊपर मिलेंगी, ऊपर या उसके नीचे मिलेंगी, लेकिन सुकून के अंदर ये होता है कि सुकून के ऊपर जो कि सुकून की जो अलामत है उसके ऊपर कभी आपको हरकत नहीं मिलेगी, बल्कि जो पिछली वाली जो हरकत होती है उसको हमने सुकून वाले हर्फ के साथ जोड़ना होता है, मिला के पढ़ना होता है। तो इस तरह आप याद रखने में आसानी रख सकती हैं कि ऐसी जो रा जिसके ऊपर तशदीद आ रही है और उसके ऊपर फतह या दम्मा होगी वो मोटी होगी, और ऐसी रा जिसके ऊपर तशदीद आ रही है उसके नीचे कसरा आ गई तो ये पतली या बारीक अदा की जाएगी। इसी तरह ऐसी राह जिसके ऊपर सुकून है, क्योंकि हमें पता है कि सुकून वाली राह के ऊपर अलामत नहीं होंगी बल्कि पीछे वाली जो अलामत होती है उसको मिलाना होता है, या पीछे वाली जो हरकत होती है उसको मिलाना होता है। तो याद रखें कि फतहा या दम्मा अगर पीछे आ रहा है सुकून वाली राह के तो ये वाली जो राह है ये भी भारी या मोटी या तफखीम अदा की जाएंगी, और सुकून वाली राह जिसके पीछे कसरा आ जाएगा वो बारीक अदा की जाएगी। ये बात आपने अब याद रखनी है। इसी तरह अब अगर सुकून वाली राह है और उसके पीछे फिर सुकून आ गया है, कोई हर्फ ऐसा है जिसके ऊपर सुकून है और उसके पीछे फतहा है, और ऐसी ही राह जिसके पीछे फिर सुकून है और उसके पीछे दम्मा आ गया है तो ये वाली राह जो है ये भी हम मोटी या भारी आवाज में पढ़ेंगे। और बिल्कुल सेम इसी तरह ऐसी राह जिसके ऊपर सुकून है और पिछला हर्फ उसके ऊपर भी सुकून है और पीछे वाली जो कोई हर्फ है उसके नीचे कसरा है तो ये बारीक। तो ये बहुत आसान है इस तरह से समझ के अगर आप याद रख ले तो ये कभी भूलेंगे नहीं। अब हम जब आगे चलते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर आके कि ऐसी राज जिसके ऊपर सुकून हो लेकिन उसके पीछे वाले हर्फ के नीचे आर्जी कसरा हो। यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर सुकून वाली राह के पीछे कसरा हो तो वो बारीक अदा किया जाता है, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि ऐसी राह जिसके ऊपर सुकून हो और पीछे वाला जो उसका जो हर्फ होता है उसके नीचे
कसरा लेकिन आरजी कसरा, मतलब उसके पीछे कसरा होता नहीं, आरजी तौर पर अगर कसरा आ गया है तो ये रा जो है ये मुखफ्फम हो जाएगी और तफहीम के साथ अदा की जाएगी। और इसी तरह इसका दूसरा उसूल ये है कि ऐसी रा जिसके दूसरे कलमे या दूसरे हर्फ के नीचे भी कसरा हो तो ये रा भी जो है ये मोटी अदा की जाएगी। जैसे हमारे पास ये एक मिसाल है, ये एक लफ्ज है इर्जीई, तो इसके पास जो अलिफ है इसके असल में यहाँ पर कसरा तो नहीं है, लेकिन हमने जैसे पढ़ा था हमजातुल वस्त में कि अगर हमें किसी अलिफ को जब हमने जो हरकत देनी होती है, जैसे ये खाली अलिफ है तो हम देखते होते हैं कि पहला मुतहरिक हर्फ कौन सा है, तो यहाँ पर जो पहला मुतहरिक हर्फ है उसके नीचे कसरा है तो हमने इस अलिफ को कसरा दिया, ये कसरा आरजी कसरा है, तो इस सूरत में हम जो है इस हर्फ जो ये रा है ये मोटी अदा की जाएगी। इसी तरह ये वाला जो आप एक देख रहे हैं लफ्ज, इसमें जो रा है उसके ऊपर सुकून है और इसका एक ये लफ्ज छोड़ के फिर पिछला दूसरा जो लफ्ज है उसके दूसरा हर्फ आ जाता है उसके नीचे कसरा है, तो इस वजह से इस कंडीशन में ये जो रा है ये मोटी अदा की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद रखें। और इस किसको हम बारीक पढ़ते हैं, अगर रा सुकून के साथ और पीछे जो है रा साकिना अगर आ जाए, तो जैसे हम इधर भी देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि अगर रा जो है वो सुकून के साथ है और पीछे अगर फिर सुकून आ जाता है तो तफहीम के साथ पढ़ते हैं या तरकीब के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऐसे अल्फाज जहाँ पे रा सुकून के साथ हो लेकिन या के ऊपर भी अगर सुकून है या साकिना है तो ऐसी सूरत में ये जो रा है ये बारीक पड़ी जाएगी। जैसे हमारे पास ये मिसाल मौजूद है, अब आगे चलते हैं। अगर रा साकिन है और उसके पीछे कसरा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, अगर रा साकिन है और उसके पीछे कसरा है लेकिन आगे वाले जो हरूफ हैं वो मुखफ्फम है तो फिर इस सूरत में जो रा है वो मोटी पड़ी जाएगी। और इसकी ये मिसाल आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर ये एक जो हमारे पास आ जाता है एक लफ्ज है जो कि सूरह हूद में मिलता है, इसमें जो रा मौजूद है ये रा जो है ये बारीक पड़ी जाती है, बस ये आपने याद रखना है। और मेरा ख्याल है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। और अब मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں آپ کا پہلا سوال ہے لام الجلالہ سے کیا مراد ہے G622198 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی لام الجلالہ جو اللہ کے نام کے اندر لام ہے اس کو لام الجلالہ کہتے ہیں اور اس سے پہلے لام الجلالہ سے پہلے فتح اور دمہ ہو تو اس کو مخفم پڑھا جاتا ہے اس کو مشدد کے ساتھ یعنی کہ بس یہ تھا کہ اللہ کے نام جو ہے نا لام مشدد اس میں اس لام مشدد کو لام مشدد کو جاری لام جلالہ کہتے ہیں جی جزاک اللہ جواب درست ہے سوال نمبر دو ہے لام الجلالہ کی ادائیگی کے دو اصول کیا ہیں اب جی جی G622250 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو پہلی والی آئیں تھی انہوں نے جواب اس کا دے تو دیا تھا کہ لام الجلالہ سے پہلے حرکت والے لفظ پہ اگر فتح یا دمہ ہو تو ہم اس کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے جی اور اگر اس کے اور اگر سوری اس سے پہلے حرکت جو ہے وہ کسرا کی ہوگی تو ہم اسے باریک ترکیب کے ساتھ ادا کریں گے جی یہی جواب سامنے آ گیا ہے کہ اگر لفظ اللہ کے نام والے لام مشدد سے پہلے فتح یا دمہ ہو تو بھاری ادا کرتے ہیں اور اس را کو کرتے ہیں اگر لفظ اللہ کے نام والے لام مشدد سے پہلے کسرہ ہو تو اسلام کو باریک ادا کرتے ہیں یہ ابھی آپ کو بھی یہی سنا تھا اس سے پہلے بھی جیسے کہ وہاں انہوں نے دکھایا بھی ہے اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی بتا دیتی ہوں کسرہ والی بسم اللہ یا باللہ یہاں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور قول اللہ نور اللہ یہ بھاری والے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے اوپر فتح دمہ تھا اس لیے دیٹس فائن
सवाल नंबर तीन, वो कौन से तीन हरूफ हैं जिनकी अदायगी बाज हालतों में बारीक या मोटी की जाती है? जी 6 2 2 2 0 2, जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तीन हरूफ अलिफ रा और लाम हैं। जी जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर चार, रॉ पर अगर फतहा या दम्मा हो और रॉ के नीचे कसरा हो तो इसकी अदायगी कैसे की जाती है? एडमिन प्लीज किसी को। मैं ही बता दूं दोबारा, जी 6 2 2 0 2, मैं दोबारा बता दीजिए, शायद कोई प्रॉब्लम हो। आपे अगर फतह और दम्मा हो तो इसे ठीक पढ़ा जाता है मुखफ्फम, और अगर रा के नीचे कसरा हो तो तरकीक से इसे मुरक्कक पढ़ा जाता है। जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल, उन्होंने भी यही लिखा है, अगर रा के ऊपर फतह या दम्मा हो तो भारी अदा होता है, जैसे रब्बना रुबमा, और तरकीक से अगर तरकीक से तब पढ़ते हैं जब रा के नीचे कसरा हो, अमरीहा। जवाब दुरुस्त था। सवाल पांच, इस असूल में रॉ की अदायगी कैसे की जाती है? जी 6 2 2 1 1 4। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर ये पहले वाली में रा की आवाज भारी की जाएगी और दूसरी में बारीक होगी। जी ठीक है, फतहा और दम्मा अगर हो तशदीद के साथ जी तो वो भारी होती है, और तफहीम के साथ, और जो अगर कसरा हो तो तरकीक के साथ, यानी के बारीक आवाज से, मिन मी शर्री। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर छह है, इस असूल में रॉ की अदायगी कैसे की जाती है? जी 6 2 2 2 0 9। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी रॉ साकिन से पहले अगर फतह हो या दम्मा हो तो इसको मुफ़ख़्म हम पढ़ेंगे जी, और अगर रॉ साकिन से पहले कसरा हो तो इसे मुरक्कक़ पढ़ेंगे, जैसे मुफ़ख़्म में फ़िल अर्दी मुरसलीना और फिर अवना। जी जवाब दुरुस्त है, जज़ाकअल्लाह। सवाल नंबर सात, इस असूल में रॉ की अदायगी कैसे की जाती है कि फतह हो फिर दोनों जज्म हो, आगे अगले हर्फ पर भी जज्म हो और रा पर भी जज्म हो, इसी तरह दमा हो और अगले लेटर पर जज्म हो और उससे अगले लेटर यानी रॉ पर भी जज्म हो, और इसी तरह कसरा का है, तो इनको कैसे पढ़ेंगे? जी 6 2 2 2 0 6। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर रॉ साकना से पहले फतह और साकन आ जाए और जम्मा भी रॉ साकना से पहले आ जाए तो दोनों मोटे पड़े जाएंगे, और अगर रॉ साकना से पहले कसरा आ जाए तो बारीक पड़े जाएंगे। आप पढ़ सकती हैं इनमें से कोई एक? जी मुखद्दर यूसर यूसर गुड जिक्र जिक्र जज़ाकअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। यही अगर रा साकना से पहले वाला हर्फ आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त ही बताया था, पहले वाला हर्फ साकिन हो और इससे पहले फतह या दम्मा हो तो रा भारी होगी, अगर रा साकना से पहले हर्फ साकिन हो और इससे पहले कसरा हो तो रा बारीक होगी। यही उन्होंने आपने अभी बता दिया और वो मिसाल भी उसकी दे दी थी। जज़ाकअल्लाह, जवाब दुरुस्त था। सवाल नंबर आठ है, इस असूल में रॉ की अदायगी कैसे की जाती है? जी 6 2 2 2 0 2।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस असूल में जब आरती कसरा, ये पहले वाली जो सवाल है का हिस्से में, आरती कसरा हो तो रात ठीक पड़ी जाती है, मुफ़ख़म पड़ी जाती है, और जब रा साकिना से पहले या साकिना आ जाए तो फिर इसमें तरकीक से पड़ी जाएगी। हम देखते हैं कि जवाब क्या कह रहा है, यही होगा। अगर रा साकना से पहले आरजी कसरा आ जाए या कसरा दूसरे कलमा में हो तो रा भारी अदा होगी, अगर रा साकना से पहले या साकिना हो तो रा बारीक होगी। जजाकल्ला, आपका जवाब भी दुरुस्त था। सवाल नंबर 9 है, इस असूल में रा की अदायगी कैसे की जाती है? जी 622198। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी इस असूल में ये है कि ये सारे लेटर मुखफ्फम हैं, तो जब रा से के साथ मुखफ्फम लेटर आता है तो रा की अदायगी मुखफ्फम होती है, और अगर तरकीक लेटर होगा तो तरकीक होगी। जी ये जैसे रा के नीचे फतह अशबाया है, और ये लेकिन सूरह हूद में जो है वो इसको मजीहा नहीं पढ़ेंगे, मजरेहा पढ़ेंगे। जी अगर रा साकना से पहले कसरा हो और बाद में हरूफ तफहीम हो तो ये भारी अदा होगी, यानी रा को भारा तफहीम से बोला जाएगा। अमाला वाली रा बारीक या नरम आवाज में अदायगी होगी। मजरीहा, मजरेहा, मजरीहा तो नहीं कह सकते, मजरेहा, जैसे कतरे सवेरे है ना, वो बड़ी ये जिसे हम कहते हैं वो लगती है, मजरेहा की तरह। आपका जवाब भी दुरुस्त था, जजाकल्ला। सवाल नंबर 10, इस लफ्ज की अदायगी कैसे की जाएगी? जी 622188। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये इस लफ्ज की अदायगी तरकीक के साथ की जाएगी, मैं शर्री। एक दफा और जरा बताएं। मैं शर्री। जज़ाकल्लाह। अगर तश्दीद वाली रा के नीचे कसरा हो तो रा बारीक होती है। मी शर्री। जी ठीक है, जवाब दुरुस्त है। अब मैं इस सिलसिले को एक मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़्म के एक शेर से फिनिश करती हूँ। नज़ीर इसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा, भला क्यों कर ना हो यकता, कलाम पाक रहमा है। हो सकता है कि नज़ीर उसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा, भला क्यों करना हो यकता, कलाम पाक रहमा है। जज़ाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट रहा, जज़ाकुमुल्लाह तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मुराजातुल कुरान में। आज हम सेट आई की दोहराई करेंगे, जिसमें हमने इदगाम के जो मजीद उसूल है वो सीखे थे। इसमें हम जो उसूल दोहराई करेंगे वो है इदगाम कामिल और इदगाम मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतकारिबैन। अच्छा, इदगाम कामिल की हम यहाँ पर दोहराई इसलिए करेंगे कि हमने पहले भी जब हमने एक उसूल पढ़ा था जिसमें हमने अलामात के सेट में पढ़ा था सुकून और तशदीद, उसमें भी हमने ये बताने की कोशिश की थी कि जब भी सुकून और तशदीद वाले हर्फ आ जाएंगे, और सुकून वाला हर्फ पहले होगा और तशदीद वाला जो हर्फ है वो बाद में होगा, तो हम सुकून वाले हर्फ को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे और तशदीद वाले हर्फ के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अदायगी बताई थी कि जज्म वाले हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ हो तो जज्म वाले हर्फ को छोड़कर तशदीद वाले हर्फ के साथ पिछली हरकत को मिलाते हैं। ठीक है, और ये जो उसूल है ये असल में इदगाम कामिल ही कहा जाता है इसको, इसके अंदर मुकम्मल इदगाम होता है। अब अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बाकी ये जो तीन उसूल है ये समझना आसान हो जाएंगे। जैसे है हमारे पास इदगामुल मुतमासिलैन, इसमें हरूफ के एतबार से इदगाम होता है कि अगर आपके पास दो एक जैसे अगर हरूफ आ गए हैं
तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है, अगर जज्म वाले इसमें करेंगे कि जज्म वाले हर्फ को छोड़कर अगले हर्फ के साथ पिछली हरकत को मिलाते हैं। जैसे अब दो एक जैसे हर्फ हैं बा, इसमें मिसाल में भी देखेंगे, तो जिस हर्फ के ऊपर सुकून होगी उसको छोड़ देंगे और जो अगला जो हर्फ होगा उस वाले हर्फ के साथ हम पिछली हरकत को मिला के पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में अब ये क्लियर होगी होगी बात कि जब भी दो एक जैसे हर्फ आ जाए, जैसे ये दो एक जैसे हर्फ हैं, तो हमने क्या करना है, जज्म वाले जिसके हर्फ के ऊपर सुकून की अलामत होगी उसको छोड़कर अगले हर्फ के साथ जो पिछली जो हरकत होगी उसको अगले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसके बाद है इदगामुल मुताजानिसैन, इसमें है ये भी हरूफ के एतबार से इदगाम है और ये जो हरूफ होंगे ये एक ही मखरज से, एक ही उनका जो मखरज होगा वो एक ही जगह पर होगा। जैसे अब हमारे पास एक मिसाल है जैसे बा और मीम जो कि होंठों से अदा किए जाते हैं, दोनों ही हर्फ जो है इनका मखरज एक ही है यानी कि होंठ है, तो ये होंठों से अदा किए जाते हैं। और अब ऐसी कंडीशन में जबकि ऐसे दो हर्फ एक जगह पर आ गए हैं जिनके मखरज एक है, तो भी हम क्या करेंगे, जज्म वाले हर्फ को छोड़कर अगले हर्फ के साथ पिछली हरकत को मिला देते हैं। जैसे आपके पास मिसाल मौजूद है, अब जो जिस हर्फ के ऊपर सुकून है इसको हम छोड़ देंगे और इस पिछली हरकत है वो अगले हर्फ के साथ मिलाएंगे और इस हर्फ के ऊपर तशदीद आ जाती है। ठीक है, ये लिखने में आएगा, बा लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। और जो अगला हर्फ है जो कि दोनों एक ही मखरज के हरूफ हैं, तो जो अगला जो हर्फ है उसके साथ सुकून वाले को छोड़ के अगले वाले हर्फ के साथ मिला देंगे और इस हर्फ के ऊपर जो है वो तशदीद आ जाएगी। अब है इदगामुल मुताकारिबैन, इसमें क्या है कि जब मखरज या सिफात दोनों जो है नजदीक नजदीक हों, जो उनके मखरज है हरूफ के मखरज भी और सिफात भी जो है नजदीक नजदीक है, एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, तो भी क्या करेंगे हम कि इस सूरत में भी जो हमारे पास सुकून वाला हर्फ है उसको छोड़ देंगे और पिछली हरकत को उस वो वाला हर्फ जिसके जिसकी सिफात या मखरज मिलते जुलते या करीब करीब होंगे उसके साथ हम मिला देंगे और उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। जो सुकून वाला हर्फ है वो लिखने में तो नजर आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, और जो पीछे हरकत वाला जो हर्फ है वो अगले वाले सुकून वाले हर्फ से नहीं मिलाएंगे बल्कि अगले वाला जो हर्फ है जिसकी सिफात या जिसकी मखरज एक करीब होगा उसके साथ मिला देंगे। तो ये उसूल है, इनको बस याद रखें कि जब भी आपके पास दो एक जैसे हरूफ आ जाएंगे तो हमने सुकून वाला छोड़ के अगले वाले हर्फ के साथ पिछली हरकत मिला देनी है। फिर ऐसे हरूफ दो जिनके मखरज एक जैसे हैं तो सुकून वाले हर्फ को छोड़कर पिछली हरकत को अगले हर्फ के साथ मिला देंगे, और ऐसे हरूफ जिनके मखरज और सिफात करीब तरीन होंगे उनको भी यही करेंगे कि सुकून वाला छोड़ देंगे और पिछली हरकत को जो है वो हम अगले वाले हर्फ सुकून से अगले वाला जो हर्फ है उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। अब मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आज का उसूल आपको पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। قواعد الترتيب کے حوالے سے آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے جو کنٹینیویشن ہے پچھلا جو ہمارا ادغام کا لیسن چل رہا تھا اسی کی کنٹینیویشن ہے اور آج ہم سیکھیں گے ادغام لام ساکن کے بارے میں یعنی لام ساکن کا ادغام کیسے ہوتا ہے। सो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो 28 हुरूफ तहज्जी हैं तो 29 लेकिन हम अमजा और अलिफ को एक ही गिनते हैं, तो इस वजह से बहने फिर याद दहानी के लिए कि जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत होती है तो हम वो हमजा हो जाता है, इसलिए हमजा और अलिफ को अगर एक गिना जाए तो हमारे पास 28 हुरूफ तहज्जी हैं और उसमें से 14 ऐसे हुरूफ तहज्जी हैं जो यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद वौद तो वो लाम और नून। ये 14 हुरूफ तहज्जी हैं, ये हुरूफ शमसी कहलाते हैं जिनको हम अंग्रेजी में बच्चों को कभी सिखाने के लिए मून लेटर्स भी कहते सॉरी सन लेटर्स कहते हैं इनको हम। तो ये हुरूफ शमसी क्या है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे अस्मा के शुरू में आने वाला लाम साकिन जो है उसमें इदगाम होता है, यानी लाम यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रही हैं इसमें मिसाल में कि ये सूरह अत्तीन से ये लफ्ज लिया गया है वत्तीनी
अब यहाँ पे आप देखें कि वाव के ऊपर फता है, हमजतुल वसल है, लाम हकीकतन ये लाम साकिन है लेकिन लिखने में इस लाम के ऊपर सुकून नहीं होता है, सुकून नहीं लिखा जाता है। ये अरबी का एक रस्मुल खत है कि जो हरूफ शमसी हैं उसमें ये लाम के ऊपर सुकून नहीं होगा। और उसके बाद जो शमसी लेटर है यानी हरूफ हरफ शमसी, यहाँ इस मिसाल में ता है, यहां से देखें ता है, तो हम क्या करते हैं कि इस लाम का इदगाम में कामिल होता है, मुकम्मल इदगाम यानी असिमिलेशन है, इस लाम को मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाता है और नहीं पढ़ा जाता। वाव मतहरक जाके ता से मिलता है और इसके ऊपर तशदीद आ जाती है इस ता पे, जो कि ये आपके लिए एक कहिए कि एक तरह का एक ये इंडिकेशन है आपके लिए कि ये जो लाम है ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये तशदीद का आना ये इंडिकेशन है कि इस लाम को हम नहीं पढ़ेंगे और हम इस लाम को बिल्कुल छोड़ के इसका मुकम्मल इदगाम करते हुए हम इसको वत्तीन ही पढ़ेंगे। तो इसी तरह था, दाल, जाल, ये तमाम हरूफ शमसी जब भी लाम साकिन के बाद, याद रखें कि इस पे सुकून नहीं होगा, जब लाम साकिन के बाद ये 14 हरूफ तहज्जी आएंगे तो वो लाम का मुकम्मल इदगाम होगा और उसको हम नहीं पढ़ेंगे। मुतहरक लेटर जाके मुशद्दद लेटर से मिल जाता है और ये तशदीद जो है ये आपके लिए इंडिकेटर है कि इस लाम को आपने नहीं पढ़ना है। उसी तरह आगे हम जाते हैं कि बाकी जो 28, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 28 हरूफ तहज्जी में से 14 हरूफ शमसी हैं जिनमें इदगाम का मुकम्मल लाम साकिन का मुकम्मल इदगाम होता है। उसी तरह हमारे पास बाकी बचे हुए 14 हरूफ तहज्जी जिनका मजमुआ कुछ इस तरह है कि अगर आप इन 14 हरूफ तहज्जी को याद करने के लिए इन 4 अल्फाज को याद कर लें तो इनका जो मजमुआ है वो हरूफ कमरी कहलाता है जिसको हम मून लेटर्स कहते हैं। तो अगर आप इन इस मजमुए को याद कर लें, इबगी हज्जा का व खौफ अकीमा, अगर आप इन 4 अल्फाज को याद कर लें तो इनका मजमुआ जो है वो हरूफ कमरिया है, जैसे अलिफ बा जीम हा फा ऐन गैन फा कौफ कैफ मीम हा वाव और या। ये 14 हरूफ तहज्जी जब इनसे पहले लाम साकिन होगा, जैसे इस मिसाल में आप देखें अल हज्जू, यहां लाम के ऊपर सुकून जाहिर कर दिया गया है, ये इंडिकेटर है आपके लिए कि जो पिछला मुतहरक लेटर है वो जाके साकिन लेटर से मिलेगा। सो ये लाम जो है इसके बाद जो हा आ रहा है ये हरूफ कमरिया में से है, हरूफ कमरी में से हा। इसी तरह ये 14 हरूफ तहज्जी जो है यहाँ पे, जब भी इन 14 हरूफ में से लाम साकिन के बाद जब ये 14 हरूफ आएंगे तो ये लाम जो है इसको इजहार से पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, इसका इदगाम नहीं होगा और इसलिए इसको हम इस तरह पढ़ेंगे अल हज्जू। तो ये आपके लिए आसान लफ्ज में ये याद रखें कि जब भी लाम सुकून के साथ जाहिर है इसको पढ़ा जाएगा, जब लाम पे सुकून नहीं है, अगला मुशद्दद लेटर है तो वो हरूफ शमसी है और उस लाम को मुकम्मल तौर पर उसका इदगाम किया जाएगा। मिसाल से आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें हरूफ शमसी हैं जैसे ता, जा, शीन, नून, लाम और सीन, ये सारे के सारे हरूफ शमसी हैं और इनको पढ़ने के लिए हमने क्या करना है, इस्लाम का मुकम्मल इदगाम होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं तमाम मिसालों में कि ये सारे जो लाम साकिन के बाद के जो लेटर्स हैं, जो हरूफ शमसी हैं, इनके ऊपर तशदीद है, जैसे वत्तीनी, वज़ैतून, वश्शम्सी, वन्नहार, वल्लैली, वस्समाई।
तो ये इंडिकेटर हैं कि ये हुरूफ़ शम्सी हैं और इसमें यहाँ पे लाम का मुकम्मल इदगाम होगा। अब हुरूफ़ कमरी में देख लें, आप ये देख लें कि लाम का जो सुकून है वो जाहिर है रस्मुल खत में, लाम को साकिन किया गया है, जज्म को वाजे किया गया लिखा हुआ है, और आप इसको मुतहरिक लेटर से मिलाएंगे हुवल अव्वलु, क्योंकि लाम साकिन के बाद अलिफ आ रहा है, वो हुरूफ़ कमरी में है। वल आखिरु, यहाँ भी अलिफ जो है ये हुरूफ कमरी है। वल कमरु, यहाँ पे काफ हुरूफ कमरी है में से है। यहाँ पे देखें अलिफ, फिर अलिफ की मिसाल है और लाम साकिन के बाद अलिफ जो हरफ कमरी है। अल हज्जु, ये मिसाल हमने कर ली, हा जो है हुरूफ कमरी में है, इस ये लाम को पढ़ा जाएगा। और यहाँ खा जो है ये भी हुरूफ कमरी में है, तो लाम साकिन के बाद खा, इसलिए इस लाम को हम, इसका इदगाम नहीं होगा, इसको इजहार से पढ़ेंगे। एक और चीज इसी हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसी के हवाले से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब हम खुलफाए हमदियत के जो टाइटल्स उनको दिए गए हैं, उनके नामों की जगह पे जो हम उनका टाइटल इस्तेमाल करते हैं, उनको भी सही तरीक से पढ़ने की हमें हत्तुल वसा कोशिश करनी चाहिए। अक्सर व बेशतर ये हो जाता है कि जो मसीह के नीचे कसरा है, इसको किसी गलत फहमी की वजह से यहाँ पे दम्मा लिया आ जाती है। लोग पढ़ने में ये गलती करते हैं और खलीफतुल मसीहुल अव्वल कह देते हैं, जो सरासर गलत है। इसकी तरफ बहने बहुत तवज्जो करें। बारहा हमें जब हमारी आप शुरू में जो आपको दिया जाते हैं इक्तबासात पढ़ने के लिए या कोई भी एक्सट्रैक्ट आप पढ़ती हैं, तो उसमें ये गलती बहुत दफा हमने देखी कि हुई है। इसी वजह से ये जरूरी समझा कि आपको इसकी तरफ तवज्जो दिला दें कि इस चीज की हत्तुलवसा कोशिश करें कि ये सही तौर से पढ़ा जाए। तो खलीफतुल मसीहिल अव्वल है, खलीफतुल मसीहिस सानी है। अब यहां देखें कि लाम साकिन का मुकम्मल इदगाम हो रहा है, हा के बाद सा मुशद्दद है सा, और इसको हम हिस्सानी पढ़ेंगे। अक्सर बेहतर ये होता है खलीफतुल मसीहुल सानी भी पढ़ा गया, सुनने में आया है, तो इसकी भी आप लोग दुरुस्तगी कर लें। खलीफतुल मसीहिस सालिस, हिल सालिस गलत है, क्योंकि ये फिर यहाँ पे हुरूफ़े शमसी में है, इसको आपने नहीं पढ़ना है इस्लाम को। और कसरा का हत्तुल वसा ध्यान रखना है आप लोगों ने, खलीफतुल मसीहिर राबे और खलीफतुल मसीहिल खामिस। तो ये देख लें कि ये हुरूफ़े शमसी और हुरूफ़े कमरी की ये बेहतरीन मिसाल है आपके सामने खुलफाए कराम के जो टाइटल्स हैं उनको सही तरह से पढ़ने की। तो उम्मीद है कि बहनों को इसकी कुछ हद तक समझ आ गई होगी। हमारे सबक का आज हमारा जो लेसन है वो दो पार्ट पे मुश्तमिल है। आज जो हमारा दूसरा सबक नंबर 19 का एक और उसूल जो हमने सीखना है वो मीम साकिन का इदगाम है। तो इससे पहले तक हम लोग सिर्फ सीख रहे थे के नून साकिन के चार उसूल, और उसमें हमने इकफा, इजहार, इदगाम और इकलाब पढ़ा। अब मीम साकिन के भी इदगाम और इकफा और इजहार होता है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इदगाम शफवी, इकफा शफवी और इजहार शफवी क्या है। शफवी याद रखें, ये क्योंकि मीम जो लफ्ज मीम है, लेटर मीम, इसका मखरज होंटों पे होता है, और होंटों को यानी हमारे लिप्स को अरबी जबान में शफातैन का कुरान करीम में कहा गया है, बुलाया नाम है शफातैन अरबी जबान में, तो उससे ही शफवी की जो है वो लफ्ज निकला है, ताकि हमारी याद, हमारे लिए आसान है याद रखना कि इदगाम शफवी जो है वो मीम साकिन का असूल है, इखफाए शफवी भी मीम साकिन का असूल है, और इजहार शफवी भी। तो अब ये आप देखें कि इदगाम शफवी क्या है। तो जब मीम साकिन याद रखें कि हमने पहले नून साकिना के उसूल पढ़े थे, अब हम मीम साकिना के उसूल की तरफ आए हैं। जब मीम साकिन का, यहाँ मीम साकिन है, का मीम मुतहरक में, यानी मीम साकिन के बाद जब दोबारा मीम आएगा और वो मुतहरक मीम है, तो इस मीम साकिन का वही उसूल जो के नून साकिन का उसूल था कि साकिन लेटर जो है उसका मुकम्मल इदगाम मुशद्दद लेटर में होता है, और हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 सेकंड गुन्ना के साथ।
और इस इदगाम को यानी मीम साकिना का मुकम्मल इदगाम मुतहरक मीम में होना इदगाम शफवी कहलाता है और इसको 2 सेकेंड गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तो ये इसको मीम को खींचेंगे 2 सेकेंड और नाक से आवाज जारी करेंगे। उसके बाद है इख्फाए शफवी। सो इख्फाए शफवी क्या होती है, इसमें याद रखें कि जब मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा, लेटर बा, मुतहरिक बा, तो इसको फिर हम हल्के से हुन्ने के साथ अदा करते हैं और ये इख्फाए शफवी है। ये मोर और लेस वही उसूल है जो इख्फा का, यानी हल्के से हुन्ने के साथ पढ़ना नून साकिन के बाद जब बा आता है, और यहाँ जब मीम साकिन के बाद भी बा आएगा तो वो सॉरी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, अपोलोजीज, मीम साकिन के बाद जो बा है इख्फा होता है और यह हल्के गुन्ने के साथ, वो इकलाब का उसूल था मीम साकिन नून साकिन के बाद बा, तो उसको फिलहाल हम भूल जाते हैं। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मीम साकिन के बाद जो बा आएगा उसमें इख्फा होगा, और कहने का मकसद ये था कि नून साकिन का इख्फा और मीम साकिन का इख्फा दोनों ही हल्के से गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। सो कुंतुम बिही, यहाँ देखें यहाँ पे भी नून साकिन का इख्फा हो रहा है और यहाँ पे मीम साकिन का इख्फा हो रहा है। अब आगे जो इजहारे शफवी है वो आपको बताती चलती हूँ कि इजहारे शफवी क्या होता है। अब हमने 2 हरूफ 28 हरूफ तहजी में से याद रखना है कि मीम साकिन के बाद अगर बा आएगा तो वहां इख्फाए शफवी होगा, और मीम साकिन के बाद फिर मीम आएगा तो वहां इदगाम शफवी होगा। इन 28 हरूफ तहजी में से इन 2 को हटा के बाकी जितने ये हरूफ तहजी हैं, जब ये मीम साकिन के बाद ये हरूफ तहजी आएंगे तो वहां नून को जाहिर मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। मीम साकिन को जाहिर से मतलब है कि उसके ऊपर आवाज देर तक ठहरानी नहीं, मीम की एक कुदरती तौर पर एक जो नेजल साउंड है वो निकलेगी लेकिन उसको हम खींच के लंबा नहीं करेंगे। सो अन अमता अम लम ऐसे नहीं करना, ये एक गलत तरीक है, उससे हमने परहेज करना है। अम लम बस एक जो नेचुरल आवाज है उस तक हमने इसको महदूद रखना है। तो इसके बाद आज क्योंकि हमारा वक्त काफी लंबा हो गया है सबक का, तो मैं सिर्फ एक बहन से गुजारिश करूंगी कि अगर वो माइक्रोफोन पे आ जाएं तो हम इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद आज हमारे अपने हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। तो एडमिन प्लीज किसी एक बहन को माइक दे दें। जी बिल्कुल, हमारी अगली मुतालिमा है G6221888। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम अपनी अगली बहन की तरफ करते हैं। G6225 4 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ से सिर्फ इस हिस्से की अगर आप प्रैक्टिस कर लें प्लीज। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ جزاكم اللہ۔ آپ نے یہ اصول ابھی میں نے بتایا، یہ کیا اصول ہے؟ میم ساکن کے آگے مشدد میم آ رہا ہے، یہ ادغام شفوی ہے یا اخفاء شفوی ہے؟ یہ میم کا میم کے اندر है तो इसको इदगामे शफवी कहते हैं। जी ठीक है। यहाँ पे दो आवाज को भी होल्ड करेंगे और नाक से नेजल साउंड निकालेंगे। नेजल साउंड एक दफा, जी एक दफा और कोशिश करें। मुझे लगता है थोड़ा सा हुन्ना आपका वीक था, एक कोशिश और कर लीजिए। जी बादुकुम मिम बादिं। जज़ाकुमुल्लाह। और एक मिसाल अगर आपको मैं अगली आयत से, इस आयत को आप पढ़ दीजिए, आयत का एक हिस्सा है, मुकम्मल आयत नहीं है।
وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. جزاكم اللہ. اور یہ کیا اصول ہے یہاں پہ؟ کیا پڑھا ہے ہم نے؟ یہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. یہ کیا اصول تھا ابھی جو آج ہم نے سیکھا ہے؟ یہاں پہ اخفاء کریں گے, ہلکا گونے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. جی, سافٹ نیزل ساؤنڈ ہوگا. یہ اخفاء شفوی. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس آیت کے حصے کو آپ پڑھ کے مجھے بتائیے پہلے. ہم فیہا خالدون. خوا موٹا ہے, اس کو موٹا مفخم پڑھا جاتا ہے, خالدون. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خالدون. جی, اب یہاں میم ساکن کے بعد فا ہے, اس میم کو کس طرح پڑھنا چاہیے تھا؟ پڑھا آپ نے صحیح ہے, تھوڑا سا بتا دیجئے گا. اظہار شفوی کے ساتھ نون ظاہر کر کے, یعنی لمبا کھینچنا نہیں ہے غنہ. اور نیزل ساؤنڈ ایک نیچرل نیزل ساؤنڈ ہے, وہ ٹھیک ہے, اس سے بیونڈ ہم نے اس سے آگے جا کے اس کو کھینچ کے لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. ہم فیہا. جی, جزاکم اللہ حسن الجزا, بے حد شکریہ. آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. جی, بہت شکریہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تدریب القواعد کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز ورس نمبر 52 سے کرتے ہیں. تو ایڈمن سے گزارش ہے, کسی متعلمہ کو موقع دیجیے پلیز. جی, ہماری اگلی متعلمہ ہے جی 6-22206. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ شروع کیجیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ, ورس نمبر 54 تک پڑھیے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. فَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہے, گڈ. شروع میں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا, ٹھیک ہے, یہاں پھر نون پہ ٹائم نہ لگے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور مُصْفَرًّا لَظَلُّوا, ٹھیک ہے, مُصْفَرًّا لَظَلُّوا. اور تسمیع اگر کہنا میں کے بجائے تسمیع الموتا اور تسمیع السما, ٹھیک ہے, باقی آپ نے ٹھیک پڑھا ماشاء اللہ. اور لاسٹ ورس میں 54 میں آپ بتائیں گے اہم مسلمون. ابھی ہم نے جو اپنے ساتھی ٹیچر سے اصول سیکھا ہے, یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
मीम साकन के बाद अगर मीम मुशद्दद आता है तो यहाँ पे इदगाम में शफ भी होता है, यानी कि मीम में इसमें गुन्ना करते हैं। ठीक है, ठीक माशाल्लाह, ठीक बताया आपने, जज़ाकअल्लाह जी। एडमिन से गुजारिश है किसी और मुतालिमा को मौका दीजिए। जी बिल्कुल, हमारी अगली बहन है G62241। G62241 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير। ठीक है मियाँ दुआ फिया सुम मजा, ठीक है, और वशेबा, ठीक है, गोलता को आपने जब हा में बदलना है तो थोड़ा सा क्लियर कर दिया, और ये अभी हमने अपनी दोहराई में सेगमेंट में सीखा था अल्लाहु, यहाँ पे लामुल जलाला है, थोड़ा सा बताएंगे कि पढ़ा आपने ठीक था? जी, लामुल जलाला में जो लाम मुशद्दद होती है उसको हम तफखीम से अदा करते हैं, यानी उसको पुर करके पढ़ते हैं। लाम मुशद्दद तो होती है लेकिन उससे पहले फतह या जम्मा। जी लाम मुशद्दद से पहले अगर फतह या जम्मा पाई जाए तो हम उसको तफहीम से या भरपूर मोटा करके अदायगी करते हैं, और अगर कसरा पाई जाए तो फिर उसको तरकीक से पढ़ते हैं। जैसे कसरा की मिसाल आप पेज में देख लें, बिस्मिल्ला। जी बिस्मिल्ला। जी ठीक है, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। एडमिन से गुजारिश है कि किसी और बहन को मौका दीजिए। जी बिल्कुल, G62208। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप फर्स्ट नंबर पढ़िए, 56 और 7 पढ़ लीजिए। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, गैर सा जब आपने वक्फ किया ना, गैर सा थोड़ा सा फिर क्लियर करिएगा, ठीक है उसको, और फर्स्ट लाइन में, ठीक है, माला भी सो गैर सा जब आपने वक्फ करना है तो गोलता को हामी बदलना है तो, और आज हमने जो असूल पढ़ा है वो आप बताएंगी मुझे, वर्स नंबर इसमें 57 में है, लेकिन तुम ला तालमून,
ولكنكم كنتم, اس کے بعد کیا ہے؟ اور میم ساکن کے بعد اظہار ہے, کاف لیٹر ہے, اور اگلا بھی میم ساکن کے بعد اظہار ہے کیونکہ یہ با متحرک بھی نہیں ہے اور میم متحرک. ٹھیک ہے, 26 حروف کے علاوہ جو یہ دو آگے ہیں نا ان کو نکال دیں, با اور میم کو نکال دیں, تو باقی جو 26 حروف ہیں ان پر پھر ہم نے اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ عام غلطی ہو جاتی ہے ہماری تلاوت کی ٹیون میں کہ ہم اپنے پڑھے ہوتے ہیں تو میم کا جب آتا ہے تو دھیان نہیں جاتا, سم ٹائم زیادہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ کے لیے کلیئر, ایک سیکنڈ کے لیے کلیئر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کنتم لا تعلمون, اور اسی طرح آگے بھی جو ہے وہ مثال, اس میں ٹائم نہیں ہے آیت پڑھنے کا. معذرتہم ولا ہم یستعتبون, ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائپ میں بھی معذرتہم ولا ہم یستعتبون, یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد جو ہے وہ دو لیٹر نہیں ہے, جہاں پر اگر میم کے بعد میم ہی ہو, کیونکہ ادغام ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہے, ادغام اور اخفاء کو, اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کو, کیونکہ ادغام ہوتا ہے ملا دینا, تو لکم متحرک ہے میم مل جاتا ہے, یہ ادغام شفوی ہو جاتا ہے, اور اگر با آ جائے تو پھر اخفاء شفوی ہو جاتا ہے, اور یہ دونوں لیٹر نہ آئے تو پھر اظہار. ٹھیک ہے, آسانی کے لیے. تو آج کے ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہوں گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنی دعا میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.